लाला आज फिर इन्होंने जान बूझ के अड्डा ना दी। ए घोड़ी मैं आज जरूर खरीदनी। और नहीं पुत्र ये घोड़ी 2000 तो बद भी नहीं। कल घोड़ी की नहीं रही लाला, सवाल हूं पिंड की इज्जत का पैदा हो गया। जाना लाला जदों की इन्हें जमीन साढ़े पिंड खरीदी है हौसला बढ़ गया। आज मैं घोड़ी खरीद के एदे मुंह ते शिकस्ती कलक मार देंगा। 5000 6000 ला आज मैं घोड़ी खरीदने लई अपना सब कुछ दा चला देंगा। 7,000 10,000 10,000 दिन लो चोरी की रकम आज तो बोले के साथ खत्म की है। और जवाना इस मंडी चढ़ने की कोशिश ना करी, असी इतों के मुलसफा ते साडा फैसला बड़ा सख्त हुंदा है। एक घोड़ी वाले की मर्जी है जदों चाह बोली खत्म करे। चौधरी फिरोज तू रकम दे के घोड़ी ले जा सकना। ठंडा नहीं है मेले की शिकस्त ने मेरे सीने बंबड़ ला देते ने लाला। शराब पी के ना बंबड़ा बचाने की कोशिश की थी पर शराब ने शोले और भड़का देते ने। पर चलिया असी तेरी आज की शिकस्त थोड़े दिन ही तेरी फतह बना लिया। और जदों उस घोड़ी से बह के इस पिंड अपनी जमीन से आएगा तू बहाना पा के घोड़ी खोले, फिर जो होगा मैं आप पिंड पड़ लगा। गल जमाल तू घोड़ी खरीद के चौधरी अकबर से भरा न अल्लाह वास्ते का वैर पा करा ना। मैं तो घोड़े खरीद के खानदान की इज्जत वकार का मान रखे। पर तू तो मान रखे ना काका, पर उन्हें अपने दिलों में दुश्मनी रख ली है। देखना उस पिंड की जमीन भी है, हवेली भी है, तू उ जाना भी है, रहना भी है। तो मैं नहीं चाहता भी आने वाली नस्ल एवं घोड़ी की खातर दुश्मन की शक्ल इख्तियार कर ले। चाह तो मैं हूँ भी उत्थे रहा लाला, ते जान पहले मैं तुम यकीन दिवाना है कि दुश्मनी की पहल मेरे को नहीं होगी। मैनू तेरे को उम्मीद है। छोटे चौधरी घोड़ी तो काठी पाती है जी। अच्छा मुंशी मैं भी चाहते ना। अच्छा पुत्र जा जमाल ले जा यार। मुंशी अल्लाह यादी करे ने चाचे भतीजे का आपस बड़ा ही प्यार है। हाँ जी असल पुत्र तू इत्थे जरा खलो तो मैं सामने ट्यूबवैल तो पानी पी आवां। ओए ए बाग पाड़े पियो ने जेड़ी घोड़ी खुली छड़ दी जे। यार अब तू लड़ना नहीं करी गल है साडी घोड़ी ने थोड़ा जा घाह खा लिया तो मैं घाह की पूरी गड़ तेरी हवेली विच आया। चुप कर ओए आतम ताई दिया पुत्रा, मेरी हवेली है जो कहा की कट नहीं ए घोड़ी जाएगी। क्यों घोड़ी क्यों जाएगी, तू घोड़ी का मामा लगना। चुप कर कुत्ते कीता नहीं चौधरी जी अपने हथी अपने भरा मार सुटा जे और तू तो मेरे भरा की लाश ते वेख ही लई है और तू तो वेख एदी लाश किस तरफ थी थाने वाले कर दे थानेदारा इन्हें मेरे हवाले कर दे इन्हें मेरे प्राण मारे मैं जिंदा ही छुड़ाया कानून नु अपने हाथ लेने की कोशिश ना करो चोरी साहब इसका फैसला अदालत करेगी थानेदारा ऐ झूठ बोलदा पे मैं दे भरा नु कत्ल नहीं किया इन्हें अपने भरा आप कत्ल किया झूठ है मेरा भरा किसी को कतल नहीं कर सकता मेरा भरा कातिल नहीं हो सकता मेरा खून कातिल नहीं बन सकता कातिल नहीं बन सकता खून मेरे भरा का होया ते सीना मेरा जख्मी हो गया ते जख्म उदों तक नहीं बन सकते जदों तक कातिल नूं मौत दी सजा ना मिल जाए सजा कातिल नूं जरूर मिलनी चाहिए जागीरदार जी कातिल दे चेहरे नूं सिर्फ मेरी अखां ने देखिया इसलिए असी तेरे इतने बुलाया असी तेरी आंखों की रोशनी खरीदना चाहते वो इसलिए कि कानून को असल कातल की पहचान ना हो सके ते उस जुर्म में फिरोज का भरा फाई लग जाए इसका मतलब है कि तुसी मैनू इत्थे इसलिए बुलाया कि मैं अपनी गवाही तुहाडे के वेच दिया सस्ती नहीं खरीदा बड़ी महंगी खरीदा ये पेशगी गवाही के बाद 10,000 होर भी मिलेगा हो सकता तुसी गवाही के बाद मैनू गोली मरवा दो क्योंकि मैनू सच बोलन की आदत है जागीरदार असि सच बोलने समान बन जाएंगे जो तू साढ़े साफ जबान खोली असि तन हर जाने खत्म कर देंगे आलम हाकम के सामने सच बोलना हर मुसलमान का फर्ज है जागीरदार जी जे सच्ची गल करके मेरे हिस्से मौत आनी है तो हंस के अपने सीने में ला लांगा ये तेरी ये कोई ख्वाहिश है जैसी तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे यूसुफ पुत्र रोटी खा ले मैं नहीं खानी मां मैं अब्बे नाल खाऊंगा ले तेरा अब्बा भी आ गया हम तुसी प्रिय पुत्र बैठ के रोटी खाओ ते मैं नाल दे कर जाके लस्सी ले आऊं हां मैं आज रोटी नहीं खानी बनो मैं भूख नहीं कमाल है तुसी तो सवेरे कुछ खा के नहीं गए आज इक्षी वर्गे जवान दी लाश देख के मेरी तो भूखी मर गई भले लोके तुसी ठीक कर रहे हो चौधरी दे भरा दा कत्ल सुन के पूरा पिंड अफसोस कर रहा है उन्होंने किन्ने मारिया मां पुत्र उन्होंने जिन्ने मारिया थे वो तो पुलिस फड़ के ले गई तो उन्हें भी मौत की सजा हो जाएगी सुहाले उस मासूम बच्चे ने मिली है बानो जिदे सिर तो बाप का साया उठ गया असल कातल को सजा पता नहीं कदों मिले ने अदालत सच्ची गवाही दे दी कि तू ही फाय लग जाएगा इस तो पहला कि साजिद कानून के सामने जाके खलोवे तू साजिद के सामने मौत बन के खलो जा मैं साजिद न अदालत पहुंचने तो पहला कब्र से बुझा दियांगा हाँ चौधरी अकबर दुनिया उजड़ गई चौधरी जी, किस जालिम ने मेरी सीधी चादर उखाड़ के सवार जीता। डरो चौधरी जी, डरो। मेरे भरा दे मेरे दुश्मन चौधरी फिरोज ने कत्ल कर दिता। तू फिक्र ना कर मेरी भैने, मैं तेरे सुहाग के खून का पता जरूर लवागा, जरूर लवागा। अब्बा, मेरे पुत्र, खुद तू कितने नाल जब पिपा के सोएगा तेरा बदन मर गया है। तो ये देव हो गया है पुत्र, ये देव हो गया है। जतार, यूसुफ, तेरे जिंदा, जता के किंग को बुला के, जल्दी जा। जतार, बानो, उन हकीम से बुलाओ की कोई जरूरत नहीं। राहुल ने शायद मेरे को इसलिए मदद दी है कि मैं असल कातिल का राज दस सका। मेरा कातिल एसपीएल चौधरी अकबर। कच्चा करके चीर चीर के कमांगी कि मेरे सुहाग का कातिल चौधरी अकबर है, चौधरी अकबर है, चौधरी अकबर है। ठहर जा भानु, तेरे कोल की सबूत है कि कत्ल चौधरी अकबर ने किया। याद रख, तू एक गरीब है ते अकबर इस पिंड का चौधरी, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं देनी, किसी गवाही नहीं देनी। सोच के दुख में अपने सीने में दफन कर ले। बेवा तेन चौधरी अकबर ने किया है, किधरे बे औलाद भी ना कर दे। नहीं, नहीं। अपनी जबान बंद कर लगी, इस दुख अपने सीने में दफन कर लगी। मेरा रब इंसाफ करेगा, आप इंसाफ करेगा, आप इंसाफ करेगा। चौधरी जी, पुत्र असलम नू शहर होस्टल दाखिल करा के तुसा अपने सीने ते बड़ा वड्डा पत्थर रखे। भरा की 14 साल की सजा सुन के भी मैं सबर किया ना मुंशी जी। हूँ पुत्र के मुस्तकबिल वास्ते सबर करता रहूँगा तो की फर्क पै जाएगा। तो नाले मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र पिंड दियां दुश्मनों के परछावे थले फल के जवान होवे। मुंशी जी, तुसी इहदा समान लैके जीप विच रखो, मैं असलम नूं शहर होस्टल छड्ड के शाम तक मुड़ आवांगा। जा पुत्र, आप मुबारक हो गए। काली मुबारक दे रहे हो अज तुहाडे दुश्मन ने। और मेरे भरा के कातिल को बड़ी घट सजा मिली। जिस दिन रोज के सारे खानदान के खून नाल मैं होली खेडांगा, तुसी बेशक जश्न मनाना, मैं तां नहीं रोकांगा। हाली ते मेरे भरा का खून मेरी अखा जुतरिया है। वे टुट पैणिया, मेरे पुत्र नू क्यों मारे? एने मैनू प्यो दी गाल कड्ढी है। वे एडा गैरत वाला बदला ते लै, नाल दे पिंड वाले तेरे प्यो नू मारता सी। बदला, बदला, बदला। बदला लेने अपने प्यो का। हाँ चौधरी, मैं नाल दे पिंड वालियां जूंदा नहीं छड्डांगा। और नहीं युसुफा, तेरे बाजुआ हाली ऐसी ताकत नहीं कि तू दुश्मन को बदला ही लेना है। बदला सीधे भी लेना है अपने प्यो का। मैं ताड़े दोनों के बाजुआ च एक ताकत भर देंगा कि तुसी हर ताकत का टकरा जाओ। आओ शेरों मेरे नाल। छोटी जी जुरत दा कोई हथ नहीं टप सकता। एदी बात छड़ के गल करो, किधरे न होवे मैं तेरिया दोवें बावां बट दिया। ओए ए सोच के अपनी थां दे बैठ जा कि मैं चलालपुर दा जट हां। ए जे तू मेरे दुश्मन पिंड दा रहण वाला है ते फिर अज तेरी लाश इथों जाएगी। ओए सीधिया आज दुश्मन दा एक शिकार साडे घेरे च आ गया है, ए बच के ना जाए। ये साडा दुश्मन ने ते फिर अज दी लाश दे पिंड जाएगी। तेरे जा कमजोर ना तेरे उत्ते वार करना अपनी हद तक समझना। असी ते उस बुढ़े दे जवान लहू च हथ रंगने ने जिदा पुत्र शहर पढ़ लिखा है। आहो और खुश कर देता यूसुफा तू। और साडा दुश्मन जदों तेरी बहादुरी दी दास्तान जाके अपने पिंड ही सुनाएगा साडे दुश्मन दे हौसले टूट जाएंगे। तक जाग रही है मां। जवान पुत्र जदों रात नूं देर नाल घर वापस आन लग पे ते मावां दी नींदरां उड़ जांदियां ने। मैनू माफ कर दे मां, कल तो मैं देर नाल नहीं आऊंगा। देर पहला मैनू ऐ ते दस अज किथों आया? सारियां गल्लां ते काज ने ना दसी दियां मां, ते तैनूं ते चंगी तरह पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलदा। तू ना ही पुछ ते चंगा। वे तेरियां गल्लां ने ते मैनू सोझ ही पा दिता है। यूसुफ सच सच दस कितों है? जे मैं सच सच दस दिता मां ते तू मैनू ठा ठा मारेगी तो नहीं? वे सजा का फैसला तो मैं बाद ही करांगी, पहला मैंने जुर्म दा चेहरा ते विखा। मैनू अल्लाह दी सौ मैं कोई जुर्म नहीं कीता, दोस्त मजबूर करके मैनू कदी कदी वे बोल भी हीरा मंडी ला जांदे ने। वे अग लामा होना दोस्तां जिन्होंने तेनू नमा तमाश बीन बना देता है ते उस गंदी जगह जान लग्या है ते सोच लेना सी तू किस खानदान दा चश्मो चराग है, तेरी रगां विच किदा खून है ते तेरे बाप दा ना की है। मैं कन्ना नू हाथ ला के तेरी सौ खाना मां, अगे तो कदी हीरा मंडी नहीं जाऊंगा। हां जी जुर्म बड़ा है ते सजा बहुत छोटी है, सिर्फ कन्ना नु हाथ लाण नाल एनु माफ नहीं कीता जा सकदा। मां जी ओ तू कौन होनी है साडे घरेलू मामले च टंग डाउन वाली? वे सर्दी होन वाली नू होंदी है, तेनु पूरा पूरा हक पहुंचदा है। रानो पुत्र अज जड़ी सदा तू कवेंगी एनु ओही देआंगी। अच्छा जनाब अली जरा सदा लूं अच्छे दो फिर सदा चुप करके खलोता रह। जज नू रिश्वत देने की कोशिश ना करी नहीं तो बे मौत मारा जाएगा। हाँ तो तेरी सजा है कि तू अपने नक नाल 10 लकीरां कढ़े ते फिर हाँ तो फिर आराम नाल जाके सौ जा। ओ की आखिया जी मैं अपने नक नाल 10 लकीरां कढ़ा? ओ मैं नहीं हूं कढ़ियां। आहो यूसुफा असी फैसला कीता है अज जो साडी ती कवेगी ओही सजा देंगे। चल कढ़ लकीरां। अच्छा जनाब कढ़ देने। ला मां जी 10 लकीरां पूरियां कटियां जे हुन ते माफ करता जे ना? ठीक है पहले दूध पी ते जाके सो जा। दूध मैं नहीं पीना, मेरे हिस्से दा जज साहब नू पिया दियो। आहो लिया लिया। हां सितवाल नू जिहड़ा दंगल हो रहा है ओदी शरह टिकट 1 रुपया होवेगी। छोटियां जोड़ा तो बाद वड्डियां जोड़ा च घुलण वाले पहलवानां नू तुसीं चंगी तरह जानदे हो। कह दो पहलवान पट्ठा रांझा पहलवान जो खुलेगा, आशिक पहलवान तीसरे रंगीला पहलवान दा नाल खुलेगा। और सदके जावा तेरी कुदरत तो पहलवान जी बसपा ला के मुंडे लग रहे हो। ओए खरोड़े होली बोल, साडी नकाती करा दे पहलवान जी, पादरी दा देना और रख दे छन्नी वेखदा नहीं मेरा हाथ मेला नहीं। पहलवान जी आज दा पुत्तर दी जोड़ बड़ा वड्डा पहलवान ना पवाती जे। ओ की पिया कहना मौलवी, और रंगीले पहलवान दा पुत्तर किसे पहलवान कोलो घट है? और सदके जावे एक दरदान दखना फड़ा छन्नी। अच सच दी गल करनी है पहलवान जी, तुसी अपनी जवानी दे विच वड्डे तो वड्डे पहलवान कोलो घटे ते तुहाडा पुत्तर किसे घट सकदा है? हाय हाय जवानी ने की गल सुना देती हो दादू। हाय 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 एक मेरी मिंतो पाले किच मेरा जोड़ गोगे पहलवान नाल पै गया। और इतवार दा दंगल सी ते हफ्ते दी रात नू ओ मेरे घर आके जाड़ो कतार रोन लग पिया। कहन लगा रंगीले पहलवान मैं तेरी जोड़ देगा। अच्छा के पहलवान जी जिन्ना डाडा जरा फाने ना पहलवानी दा ए तुहाडे पुत्र वाले जा रहा है ते ओ खाड़े दे विच 2-3 मुंडियां नू पहलवानां नू ऐ उलटा रहिंदा है। ए करंटे ओ करंट ने बाबड़ा दा पुत्तर लगदा है। ला भाग ए लो पैसे और पैसे पैसे असी कदरदाना कोलो पैसे नहीं लैंदे। और सदके जावाई किसी होर चीज दी लोड़ है गयू तो भी लाना। आप बिस्मिल्लाह हांडी दा मुंह खुला होवे तो कुत्ते नू शर्म आनी चाहिए। प्यो का माल समझ के हाथ पा लिया। मक्खियां ने बड़ा तंग किया, खाना खराब है पुत्र। अब्बा एक डोन खेती ना लस्सी दा बना दे, घर मेहमान आए। आप बना देना पुत्र। अब्बा भरा आशिक किथे दा? आशिक नू मैं पिंडवाना दी नजरां तो लुका के छुपा के वर्जिश करवा रहा पुत्र। असीं तुहानू दी वड्डी जोड़ है। खलीफा जी हूं तो जोड़ जोड़ दुखन लग पे हूं तो जान दो। और जिस पहलवान नाल तेरा जोड़ है वो एक साल विच 500 डंड कटदा और तू ते हाली 415 ही कटे ने। पूरे 500 कट फिर खलासी होनी। खलीफा जी उस्ताद बनो कसाई ना बनो। तुहाडा पट्ठा होने की बजाय मैं उल्लू का पट्ठा होंदा ते चंगा सी, तानी ते बह जांदा आराम दे नाल। ओए बोधी माफक ना कर नहीं ते मैं हुणे तेरे प्यो नू सद लियाउणी। ओ रब दा वास्ता मेरे प्यो नू ना सदना, ओ कन टुटा पहलवान इत्थे आ गया तो मेरे कन भी तोड़ देगा। चल फिर पूरे 500 कर ते मैं जरा कपड़े पावां। भावे पा भावे ए भी ला, सानू ते पीण पाने पाया है तुसीं। 416 417 418 419 420 बस करते एले जुद पी। और किस मुसीबत में पै गया। प्यो कहंदा डंड कट, धी कहंदी है बस कर। हुण मैं करा ते की करा? भेड़िया चुप करके मेरे नाल ब्याह कर ले, पहलवानी तेरे पिछों आपे लै जाएगी। ए होली बोल, जे मेरे प्यो ने सुन लिया ना तो सानू दोवां नू जानू मार देगा। नाले तू इस वेले चली जा, तेनू कोल वेख के दिल करदा तेनू गल ना ला ला। जे तेनू गल ना लवांगा जे लगा गया तो कह दो पहलवान कोल टट्ठ जावांगा। जे कह दो पहलवान कोल टट्ठ गया तो मेरे गले विच छितरा दा हार पै जाएगा। ते इस तों पहले कि मैं तेनू गले ला के कमजोर हो जावां तू तू चली जा। वे चली जानिया पर मरे तू पहले दूध ते पी। ओ क्यों मैनू ठंडा तता करना ही? इस वेले मेरी बड़ी गर्म तबीयत हुई है ते जे तो मैं गुस्से में होगा ना वेड़िया मेरा दिल तोड़े। रब करे तू कह दो पहलवान को ना टट जाए। ओ तेरा बेड़ा सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह और हेठला लानतुल्लाह। ओए देखो दादू मेरे पुत्र दियां झूठियां तारीफां करके उसदा दिमाग ना खराब करी। ओदी तवार होई है कुश्ती ते दुआ करो ढावे। ए ले पुत्र पंजां दा नोट देखिया ही नूरिया मेरे पुत्र दियां फुर्तियां। आखिर चमको तो साथ आ मार दे ते चंगे भले पहलवान नूं आसमान दे तारे विखा दिंदा है। ओए ते ठीक है रंजिया, पर मैं सुनिया कि रंगीले पहलवान दा पुत्र आशिक भी बड़ियां तैयारियां कर रहा है, की समझे? पागल खाने ओ बकरी की मेरे पुत्र नाल घुलेगी, मेरा पुत्र ओनू 5 मिनटां च ढा लवेगा। और सोना नूरिया, तेरा नाम नूरा शर्ती है, तू आज ताई शर्त लाइए पर कदी नहीं हरिया। ओए अज शर्त ला, मेरा लक्के च गट्टा आवे। ओए जे मैं शर्त ला लई ते फिर यकीन कर ले कि तेरे पुत्र नूं टाणा ही पएगा, इसलिए कि मेरा नाम शर्ती है। शर्ती है चाचा नूरिया, अभी तेरी दीद कर रहे हैं, अभी कभी नूरा कुश्ती नहीं खुली, तू साढ़े प्यो का यार है, नहीं तो 1 मिनट च 5 ला के मारिए। वैसे तू जिगर है, अब्बा कह दे अगले एतवार नू दंगल देखने आ जाए तो फिर देख कैसी दूसरे पहलवान नू किस दहशत नाल ते किस तशद्दुद नाल ढाने। बिस्मिल्लाह, मैं क्या किसी डांस मास्टर ना बन जाई। बैठ हथ आशिक पहलवान पिसर रंगीला पहलवान निकले। रांझा पहलवान निकले। ओए पुत्रा, आज कैदों नू ढा के साबित कर दे कि तू मेरा दूध पिता, किसी खोते का दूध नहीं पिता है, यानी कि तू मेरा पुत्र है। शाबाश। अपने पुत्र को कुछ देना वास्ते पिंडी ला चला। पेंट तो मैं जरूर जाऊंगा बाजी, 15 साल तो पेंट शक्ल नहीं देखी। हो तो ठीक है यार, वाली कार तैयार हो जा। मैं शहर एक दो काम करके शाम में जांदी वारी तेन नाल ले चला। अब्बा जी आज तो तुम चले जाओ, मैं इतवार को आवांगा। आज मेरे कॉलेज की तरफ फंक्शन है वो मैं अटेंड करके आवांगा। अच्छा जिस तरह तेरी मर्जी यार, पर इतवार को आज इतने नाल वो ना होवे, मैं इंतजार ही करूंगा। तुम ये दसो तुम क्यों क्यों मैंने अगे बड़ी देर हो गई है, नेरा हम तो पहला पहला पिंड भी पहुंचना है। चंगा बाजी मेरे को तुम मुझे सलाम कहना, तो मेरे को तुम सलाम जी हाँ तुम बात छो। लाना दोस्तों जिन्होंने तेन नवा तमाश बीन बना देता है, वे उस गंदी जगह जान लगे। है तो सोच लेना से तू किस खानदान का चश्मो चराग है, तेरी रगा विच किदा खून है, तो तेरे बाप का ना की है। जी रोक लिया शीजा, ठंडो गला छाड़ दो ना। की गल है? कोई गल नहीं चौधरी, मैंने कोई काम याद आया। वह चलिया जिथे असी जा रहे हैं उन्ना रंग बिरंगी जवानियां तुम वध के केड़ा कम हो सकता है। बड़े कम मैं जा रहा वो भी कोई जुटी की रीस नहीं कर सकता। तुसी जाओ मैं नहीं जाना। मरीज बच जाएगा ना? जिंदगी मौत खुदा के हाथ है मिस्टर। वैसे मरीज को फौरी खून की सूरत है, ये मरीज को फौरी खून ना दिता गया क्योंकि डेथ का खतरा है। डॉक्टर साहब जिन्ना खून चाहिए मेरा लैके और मरीज की जान बचाना जी। ताड़ा खून? आओ डॉक्टर साहब मेरा खून। इंसान इंसान से कम आंदा है, जब मेरा खून लैके एक इंसान की जिंदगी बच जाएगी इस तो बड़ी मेरी खुशकिस्मती और की होगी। जल्दी करो डॉक्टर साहब, और लीडरशिप ले आओ। शुक्र कर जवाना कि तेरी जान बच गई। पहले मिस्टर असलम दुआ दे कि इन्हें अपना खून देकर तेरी जान बचाई। डॉक्टर साहब मैं बहुत शर्मिंदा न करो, यह तो एक इंसानी फर्ज है। यार मैं तेरे एहसान का बदला सारी जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी में इंसान एक तुझे के काम आए, जिंदगी कदे ना हो सके तो मैंने पिंड का पता करना चाहिए। अच्छा यार बस यार असलम, और सामने मेरा घर है। अच्छा यार मैं एक दो दिनों तक तेरी खबर लेना आवांगा, हम मैंने इजाजत दे। चलिया तू अपना खून दे के मेरे ते अपने यराने दी गंढ नू गुलाब दे फुल वांगू लाल करता ही। एडा पक्का यराना पा के याद दे बूहे तो वापस टुर चलिया। घर नहीं वेखेगा यार दा? जरूर वेखेंगे यार, मैं तो सोचा सी शायद कागज पर्दा ना होवे। चलिया तेरे कोलों कादा पर्दा, हुन असी दो कलबूत हां ते रूह एक मिक हो गईयां। चल चल जा। मां बहुत सुखी है पुत्र की होया है। मां मैं एक बड़े बड़े ट्रक थले आ गया सा। शुक्रिया अदा कर इस जवान का जड़ा फरिश्ता बन के उथे अपड़ गया सी। जे मैनू अपना खून ना देंदा ते मैं फौत हो जाना सी। मैं तेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं दे सकती, बस दुआ मैं दे सकनी हूं। रब तेन मेरी जिंदगी भी लावे। जे पुत्र आखे मां ते फिर एहसान का था ऐ तेरा इंसानी फर्ज। पुत्र दस की पिएगा? बस कुछ नहीं, और मैंने इजाजत नहीं। पुत्र जे मां आखे तो फिर मां दे हथों कुछ खा पी के जाए। जरूर खा पी के जाएगा, इतने नाले राती भी रहेगा इतने मां। पर यार ना मैं तेरी कोई गल नहीं सुननी। जे मैनू भरा आखे तो तेनों इतने रात जरूर रहना पाएगा। जे थोड़ी है मर्जी है तो फिर मैं रुक जाऊं। जिंदा रहो यूसुफ पुत्र, मैं तेरे बाहू दोस्त ते अपने नवे पुत्र ले कुछ ठंडी ले आवां। यार दिन नहीं तेरे पिंड दुखी गया है तो लगते हैं दो तक पिंड ही देख लगा। मैं गड्डी लॉक करके आया। आला मैं क्या छोड़े हो, चीका ना मारो साले सीने ना लग जा ठा कर। मैं सोच ली कि ए पिंड ते चौधरी दी थी ये जिन्हें साडे नाल मथा लाया ओदी मां ने भी बैल ही पाए ने। मर गए बाज मार ला अपने प्यू चौधरी नू। मेरे घर कोई मां भैन नहीं, मेरा घर छोड़ मेरे की मगर रह गया। ओए तू कुड़ी है? नहीं जानवर क्योंकि भैनिया असी तो नकल करनी था उस फिल्म की जी साढ़े पिंड च लगी सी जिद मदर शाह ने काम किया। तू तो मेरा बेड़ा ला दिता है। कर लेने तेन माफ नीट लोतियां मेरा मुंह की नहीं आखदिया। एहदे कोलों लवा मैं जो मैंने कसून मार। मेरी मदद नाम ना नहीं, मैं तेरा ही खून हौसला की करा मैं रखी मां क्यों ना करा। मैनू रोन दे कुड़िए, गंडोए दे पुत्र ने मैनू किधरे दा नहीं छड़िया। फिर की होया आपा जी मेरा भरा अज तै ही पिया ते कल ढा भी लवेगा। ओ नहीं सुनया होया गिरते हैं शहर सवार ही वो क्या डिगेंगे जो घुटनों के बट टुले। ओके उर्दू ते पंजाबी ते पुरजी बना देती हो तो पूरी बार शायरा ना जरा के नाल करो को ला गया ले आनिया ले आनिया। संग दे लब्बा जी मैं तोड़ा हुक्का ताला करके ले आवा तो तने मार मार के मेरा ईमान ताला कर देता है। तेरा ओए कल छुप में दे पुत्रा कान खोल के सुन ले। आज तुम्हारा तो दुकान पे बैठेगा तो वर्दिश मैं कराऊंगा और मैं तुम दसाऊंगा कि तेरे गुनाहों के साथ पुट्ठी मार के चित खरीदे हर सब पीछे दफा मेरे को बुढ़ा भाई। मैंने दोबारा तैयारियां कर रही बैठे ने बचे ने मुझे तबाह कर देता है। सलाम चाची। जी मेरे पुत्र किस तरह है जी? मां कारबोर्ड मुक गया थी हाँ वे तू इथे किसी साहब जे ए सवाल जनाब ते करा फेस एदा जवाब तेन मैं नहीं चाची देगी। चाची अंदर बाहू केड़ा है ते नाल दस के मैं कौन? तू इस पिंड दी सी है तो मेरा पुत्र है। हाँ चाची दूसरा पुत्र किथों आया ही? बेड़ा तेरी सारी गल्लां दा जवाब हुणे लेंगी जाके गुड़ ते ले आ। असीं इस घरे च नहीं बैठे हैं तुसीं मंगते बन के आए हो। ये हातम ताई दिया पुत्रा मैं तेरे कोलों की मंगिया जेड़ा तू मैनूं मंगता बना दित्ता। मांगे तो देखो जनाब तेरे को है कि ये भुखिया जो तू मैनू दे देगा। इस वेले तो सिर्फ दिल हैगा अगर कहते हो तो एक मिनट ही दे देने जी। आओ जी पैंटी का बड़ा ही मजा आया सी। दिल चाहता है यहो जी पैंटी सानू रोज ही लाया करो। ले तू साड़ा की लेता है जड़ा असं तेन पैंटी लाई। दिल से हाथ के देखो ऐसी पहली मुलाकात ही थोड़ा दिल चुरा लिया सी। हाय मैं मर गई, मेरा दिल किथे? कोई दिल न ले गया, कोई दिल न ले गया, लुक छुप के मैं सांभ सांभ के रखे आती, एक चोर पे गया, लुक छुप के कोई दिल न ले गया, कोई दिल न ले गया, लुक छुप मैं सांभ सांभ के रखे आती, एक चोर पे गया, लुक छुप के कोई दिल न ले गया, कोई दिल न ले गया, लुक छुप के। चलिया भुली ना, जदों तक मेरे सावा एहसान है मैं कदे नहीं भुलांगा। अच्छा मैंने इजाजत दो, रब रखा। अल्लाह बेबी। जे अपने यार ने तो बड़े पक्के वादे कर रहे हैं, साढ़े नाल भी एक वादा किया है, याद है तेनू? याद है मैम। सुहा याद है तेनू? जो तेनू याद हुंदा ते कदी सानू भी प्यार ना बुलांदा, हस के बोलदा ते खुश हो के कोल बिठांदा साना ते बहुत चंगा जिन्ना हासद के गल्ला तो करना है ना। राना तू मेरी मांग है कि मैं तेन अपनी गैरत समझना ते वो मेरा यार है वो मेरी इज्जत का भाईवार है तेरे गल हसन दी वो मैं उदों तक नहीं हस सकता जब तक मैं अपने प्यो का बदला नहीं ले लेंदा। तू पावे हस ते पावे ना हस पर असा तेरे रात तक दे रहना है। वे सानू मिलो बगैर ही तुर चले। सच किसी ने आखिया कि परदेसी नाला दिल लाइए पावे लाख सोने दा होवे। सोना दे कोई शायद नहीं छो अब ये तेरे प्यार में जान समझ के अपने दिल ना ला ले। चल चौथा ऐसे नहीं मैंने कल्याण छड़ के तुर चले। मैं किसे जाना है दिल ने तेन अपनी मंजिल समझ लिया अखीर तेरी पावे चोली है। वे हूँ यह दस कि चलिया कितने में ते आना कदों। हूँ तो मैं आंदा जाता ही रवांगा सरकार मैं अपने घर चलिया वा कल रात तेन इत्थे मिलांगा। सच जे यकीन नहीं आंदा मेरे दिल से अपना हाथ रख के देख ले। फिर झूठ बोल रहे तेरे सीने से तेरा दिल ही नहीं होगा उसे मेरे को इत्थे तो मेरा दिल है जरा तेन मेरे को कभी दूर नहीं हो सकता। शुक्र है तेरी समझ से आया। अच्छा मैं चलना मैं अब्बा जी इंतजार कर रहे हूँ कल आवी जरूर मैं तेरा इंतजार करूंगी। जरूर आवांगे सरकार। रब रब। मुंशी यार पुत्र असलम ने कल इतवार नूं आना सी आज फिकर नहीं आया। रब खैर करे सही। सलाम आखला बाबा जी। लो तुहाडा पाओ पुत्र आ गया जी। पुत्र असलम चौधरी बड़े परेशान सन। ओए भलिया मानसा तू कल इतवार दा कह के तू हुण आव रहा खैर ते सी ना। सत्ता ही खैर सन बाबा जी मैं इतवार नूं भंडारिया सी कि रस्ते च इक बंदा जख्मी पिया सी मैं उहनूं हस्पताल लै गया ते उहदी पट्टी वगैरह करा के उहनूं उहदे पिंड कमाल गया मां। ठीक है बाबा जी तुसी ना सुन के परेशान क्यों हो गए। कुछ नहीं पुत्र ऐसी थी कोई गल नहीं। गल कोई जरूर है बाजी जी तुसी मेरे को लुका रहे हो। चल आ पुत्र तू उन कपड़े बदल के ते रोटी खा ले। मुंशी जी तुसी मेरी तवज्जो अपने वल कर रहे हो ए दिस भी कोई राज है। नहीं नहीं राज ते कोई नहीं पुत्र तेनू ते आवे वहम हो गया। तुहाडी घबराहट अब्बा जी दे चेहरे दा बदलदा रंग जलालपुर पिंड का नाम इंज लगता है जिन्हें पीछे बहुत बड़ा तूफान छुपया है। तुहानू मेरी सौंपा जी कि ओदा पुछना तेरे मुस्तकबिल लई अच्छा नहीं तो तुसी मैनू इसलिए पढ़ाया कि मैं अपने मुस्तकबिल के बारे कुछ सोचा। जे तुसी मैनू दसना चाहते जे तू अपनी इज्जत छड्डनी नहीं चाहता तो लै फिर असीं तैनूं दस दिंदे हां। एक असीं मेला मंडी देखण गए उत्थे एक बड़ी सोहनी घोड़ी विक रही सी इतनी पुरानी तुसी मेरे को लुकाए रखा बाजी हम मैं आप जलालपुर जाके हैरत कर दूंगा। नहीं अब तो जिस दिन उस बहुत जवान खूनी जाता लगेगा साढ़े सीने ठंड पै जाएगी। आ गया चौधरी तो फिर मैं इंतजार नहीं करांगा। मैं प्यो की कबर से खड़ो के सौ खा दिए कि उन्हें जद मारांगा अपने हाथ ही मारा ते आज मैं उन्होंने पीड़ जाके मारा। सिमो देख ले मैं तेन मिलन का वादा किया क्यों मैं पूरा कर देता है इंशाल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक पूरा करता रहूंगा। मैं भी ते अपनी अखां नूं रावां दा फर्श बना दिता है जड़िया तेरे पिंड में जानिया नहीं देबाओ हूँ इस प्यार का दुश्मन कभी ना बने। नहीं शिमो प्यार तो दुश्मनी में दोस्ती बदलने का ना है तो मैं तेन साबित कर दियांगा। सच बाबा। आओ शिमो मैंने तेरी कसम बा। अच्छा हूँ मैंने इजाजत दे कल फिर तेन इत्थे मिलांगा। खुदा हाफिज। जिन्ना सोना है उन्हीं सोनिया गल्लां करते हैं तेरा दुश्मन कौन हो सकता है। फैसले थे और दोस्ता ऐनी रात वेले तुए थे खैर ते लिए मैं ते खैर ला पर तेरे मुंह ते काला मटासा ते आते बंदूक देख के मैनू ऐ लगता है जिवें तू खैर ना नहीं जा रहा। तू ठीक समझे मैं अपने दुश्मन दे खून च हाथ रंगन जा रहा। ठहर जा यूसुफ, कल खून खराबे दी होवे मैनू दसे बगैर कितना जा सकता है? ओए मैनू भी दस तेरा दुश्मन कौन है? ओए जे मेरे दुश्मन का चेहरा देखना चाहना ते इत्थे खलो के मेरा इंतजार कर, मैं हुणे ही ओदी लाश ले आके तेरे पैरां सुटांगा। और हाली ते मैं भी ओदी शक्ल नहीं देखी। ओए फांसी दा फंदा अपने घर च पाण तो पहला दुश्मनों से पहचान ले। तेरे सारे सवालों का जवाब इस वेले मेरे को इको ही है, मेरी गोली किसी बेगुनाह नूं नहीं बचेगी। इस बंदूक दी नाली जिस वेले मैं चौधरी फरोज दे सीने ते रखी ते ओदियां अखां मैनू मेरे दुश्मन की शनाख्त करा देनगियां। ओए आहो चौधरी फरोज का पुत्र है, उस बुजदिल ने मेरे को डर के सारी जिंदगी शहर च गुजारी है। ये सब जे चौधरी फिरोज का पुत्र तेरा दुश्मन है तो फिर रब की सौंप हानू मैं अपने हाथों नाल मार दियांगा। यकीन कर तेरा दुश्मन नहीं हो सकता। तू मेरा यार ही रहा असलम, वकील बन के मैनू मशवरा ना दे। मालूम होता है तू मेरे दुश्मन नू अपना सज्जन समझ रहा है। ओए सज्जन ते दुनिया च मैं तैनू ही समझिया यार, ते मैं सज्जन नू फांसी लगदिया नहीं वेख सकता। तू ते नहीं जा सकता। ओए मेरा रास्ता अज कोई नहीं रोक सकता। ते ले फिर मैं तेरे रास्ते च खड़ो गया है। पहले मेरे सीने गोलियां मार फिर अपने दुश्मन तक अपने। खुदा दे वास्ते मेरी राह छड़ दे असलम। तेनू मेरी यारी का वास्ता है, कुछ दिन ठहर जा। जे वाकई तेरा दुश्मन है ते मार दे भाइया। असलम केड़े वेले मेरे सामने यारी दी कंध खड़ी कर देती हूँ। अज तेरी वजह नाल ओदे कुछ होश साबत गए ने, पर यकीन कर ले आज नहीं ते एक दिन मैं मारूंगा जरूर, मारूंगा जरूर, मारूंगा जरूर। यूसुफ ठहर जा यूसुफ, वे मरे ही मां मां दी कसम खा के आज फिर हीरा मंडी आया है। ओ मेरिया रगां च तेरा खून है मां, मैं झूठी कसम सारी याती नहीं खा सकता। रात वेले कितों आया समझ ले मां, और मैं हीरा मंडियों नहीं आया। मैं पूछा तू आया कितों है? जे मैं सच दस दिता मां तो फिर तेरी ममता मेरे फर्ज के सामने कंध बन के खलो जाएगी। वे केड़ा फर्ज है जरा तू मां को रुका है? तेन मारी कसम है मां दस दे। तो फिर सुन ले मां, मैं अपने प्यू का बदला लैन लई जलालपुर गया सा। प्यू का बदला बात मैंने तकदीर न की तो बे औलाद हूं तू करन लगा है। बे मैं तो तेरे हाथ हल फड़ाया सी ते बंदूक तेरे हाथ केरे दुश्मन ने फड़ा दी है। दुश्मन नु खत्म करन वास्ते ए बंदूक ना फड़ी है मां, तब तक मैं अपने प्यू दे कातल दे सीने च इस बंदूक दिया सारिया गोलियां तो बंद नहीं कर लेंदा। मैं जान नहीं बचाला। मां का चैन लुटन वाले अबे चैन पुत्रा, जब तेन कुछ हो गया तो तेरी मां भी मर जाएगी। बेल ख्याल दिल चुप कट दे पुत्रा, कट दे पुत्रा। ख्याल तई मैं अपने दिल चो नहीं कर सकता मां, जब तई मेरिया जगह मेरे प्यू का खून जोश मार दे। मेरे अब्बा, मेरा पुत्र जिस रास्ते पर तुर पे है होते होते फांसी के रास्ते पे जाके भूखा है। मेरे पुत्र की तू हिफाजत करी, तू हिफाजत करिए मेरे अब्बा, तू हिफाजत करिए। ओए पिया जी, मेरे प्यो दे कातल का पुत्र साढ़े पिंड जाए। उन्हें आने की जुर्रत किवें कीती? उन्होंने आन लग्या खौफ क्यों नहीं आया? उन्हें अपने चाचे की वेली का दरवाजा खोलण लग्या यह भी आख्या है, मैं इस पिंड नूं अपना पिंड समझ के आया, इस पिंड च साडी भी जमीन है। फिर आज ओदी जमीन से मैं ओदी कबर बना दियांगा। की आखे चौधरी, मेरे प्यू दे कातल दा पुत्र मेरे पिंड च आ गया, जे आई जाए ते फिर ओथों बच के नहीं जाएगा। मैं ओदे खून नाल इहो जी होली खेडांगा के इस पिंड दी कंधा रंग दियांगा। बंदूक पड़ लियो, खैर है आज मैं दिन दे चानने की अपने दुश्मन नू कब्रदान मेरा बहाना। मां, मेरे प्यू दा कातिल आज मेरा पिंड जाया है। वे छड़ बंदूक मरे मां, ऐ क्यों नहीं कहंदा कि इस बंदूक नाल मैनू बेऔलाद करना चाहना है? ओ जे आज मेरे हथों बच के चला गया ते पिंडा ने मैनू बेगैरत कहणगे ते मैं बेगैरत ही हूं। ख्वाना मां, तू मेरा औलाद हुआ नहीं। रुक जा पुत्रा, रुक जा। मैं चून जो गया के बेगुनाह दे खून च तरंगन गया है। और तुम सारे बंदूका फड़ के मेरे नाल चले हो ते सोच के टुरना के असलम दे सीने में सब तो पहला गोली मेरी वजनी चाहिए। पहल तेरी गोली दी होगी ते बाद च गोलियां दी बारिश असी कर देंगे आके तेरे दुश्मन की लाश भी ना पहचानी जाए। ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। बड़े चंगे वेले आए हैं यूसुफा, साढ़े दो दे प्यो दे कातल का पुत्र साढ़े पिंड आया है। आओ दे नाल फैसला कराइए। कोई फैसला तो मैं इत्थे करन लई आया। ये मतलब है कि तू ही अपने प्यो का बदला लेना है ते बदला मैं ही अपने प्यो का लेना है। मैं अपने प्यो की कबर ते सौ खाधी है कि अपने दुश्मन नू अपने हथ ही मारांगा। मैं मारना है आज। वो तेरा भी दुश्मन है ते मेरा भी दुश्मन है। ओदे सीने में सब तो पहली गोली मेरी बजेगी। ओदे सीने च पहली गोली किरी बजेगी, एदा फैसला ते पिंड वाले करेंगे। पहले तू मेरे फैसला करना है, जेड़ा दोवां चो जींदा रहा वही अपने प्यू का बदला लेगा। जे तू मेरा रकीब बन के आए तो फिर आज मैं तेरी लाश तो लग के भी अपने दुश्मन की शहरत तो चलागा। ओदी शहरत तक पहुंचने तो पहला मैं तेरी शहरत मर जाऊंगा। ए सोच के बंदूक यूसुफ दे पैर सुट दे, ए गैर नहीं साडी बाह है। दुश्मन भावे ए हथों मारिया जाए, साडी पग दा शबला तां भी उच्चा ही रहेगा, नीवा नहीं होगा। जा यूसुफा, अपने प्यो दा बदला ले जा। पुत्रा, मेरे वाल वेखो, आज मैं तेरी मात बन के आया। तेरे प्यू ने अपने पिंड मेरे प्यू के खूनी चाथ रंगे सन, आज मैं अपने पिंड तेरे खून होली खेड़ा। आज मेरिया गोलियां चलन गिया ते तेरी लाश तड़पेगी, तू चीखेगा ते मैं हंसना, तू नसेगा तो मैं तेरी कबर अपने प्यू की कबर से पेरेंट्स बनावांगा। मरण का चा करके आया ते हुन मेरी गोली अपने सीने च खान दा हौसला पैदा कर रहे। मैं दुश्मन की कंड च कभी गोली नहीं मारी, अपना चेहरा झुकाना है। ओए तू मेरे खून विच अपने हाथ रंगन का चा करके आया है। जे मैं अपना चेहरा तेरे वाल कर दिता फिर गोली चलान दा तेरे विच हौसला नहीं रहेगा। मैं अपना चेहरा तेरे वाल जरूर करांगा, तू गोली जरूर चलाई। ओए सोची की पै गया यूसुफ, गोली क्यों नहीं चलाता? के मेरे खूनदान होली क्यों नहीं खेलता? मेरी तरफ दी हुई लाश पे कैसे क्यों नहीं मारता? और आज दोस्ताने दी हथकड़ी को तोड़ के एक नवी मिसाल कायम कर दे यूसुफ। गोली चला यूसुफ, गोली चला। दुकान ते बैठन दी बजाय तैनू ते किसी छप्पर में डूब के मार जाना चाहिए बगैर ता। तू भी मैन बगैर समझ नहीं है सोनिया। मैं कमजोर तो हो सकना वा पर बगैरत नहीं। ते तू बगैरत नहीं ते होर की है? तेरा बुढ़ा प्यो बुढ़ापे की। सोनिए मेरी गल तो सुन सोनिए मेरी। मैं इसे कड़ा में डूब के मर जाऊंगा। रोटी करना चाहता हूँ, दो दो पकड़ हो जाएगी। अगर आओ आओ चलो ना, आओ ऐसे बोला पे नहीं। पालू बच्चे वास्ता पालू बैठिए तुम पट्ठे हो रहे वास्ता और मेरे को जाओ। तेरा दुश्मन यूसुफ का दोस्त निकले। आओ शीदिया, तेरे दुश्मन यूसुफ ने दोस्त दुश्मन समझ के जूंजा छाड़ता है, पर मैं उन्होंने अपने पिंड जूंदा टुरदा फिरदा नहीं देख सकता। अज मेरी बंदूक पिछों चलन वाली गोली अंधी होगी, उन्हें किसी रिश्ते नहीं देखना। हाँ मेरे नाल यकीन करो माँ जी, मेरे प्यो ने तुहाडे सुहाग नूं कतल नहीं किया। तै किसी दुश्मन ने झूठा इल्जाम लाके दुश्मनी दी जड़ा मजबूत कीतियां ने। मैनू तेरी जुबान ते पूरा पूरा यकीन है पुत्रा, पर उस नसीबा मारे नू किस तरह यकीन दिलावा जड़ा मौत नू खिड़ौना समझ के मेरी ममता नाल खेड़ रहा है। रब दी सौ मां जी, मैं तुहाडी गोद कदी नहीं खाली होन दिआंगा। दुश्मन नू तुहाडी ममता नाल कदी नहीं खेडन दिआंगा। भावें तेरी मैं अपनी खून की कुर्बानी क्यों देनी पवे। शराब रखा तेरे खूनों में तो असी अपना खून समझने असी किसी दुश्मन तेरे खून में हाथ नहीं रखन देंगे। ओए साहू, ओए ना पैरा ते खड़ा जा। यूसुफ ने तेनू यार समझ के तेरी चोली जिंदगी की भीख पाई है। आज मैं तेरा दुश्मन बन के तेरी जिंदगी नाल मौत दा रिश्ता जोड़ांगा। जिंदगी नाल मौत का रिश्ता होता है पागला, पर मेरी मौत तेरे से बगैर नहीं हो सकती। फिर तलाह हो जाए दसन तो पहला मैनू ये दस दे कि तेरी लाश यूसुफ से कर पहुंचावा या तेरे पिन। आज इस मैदान नीचो मौका गिरा है, ऐसा फैसला इस दिन के लोग करेंगे। फैसला से मैं अपने हक की सुनादा दिया। खून भी तेरा मैं करना है, आज तेरी लड़कों के पिंड वाले नो भी मैं खाना है। तेरे मेरा दुश्मन है और दुश्मन समझ के ये देतेवार किया है और इतने फेरे समझ के तो तुर जा कि ये मेरा शिकार है। इन्हें जद मारागा मैं मारागा। ओए जे तू मेरा शिकार करने की कोशिश की थी ते मैं रब नहीं सो तेरी सारी जिस्म का शिकार कर देगा। जाए तो चलो अच्छा चला जाओ असलम तेन वेख के मेरी अखें खून उतरता है। जे मैं तेन इतने मारता तो लोग आखन गए कि यूसुफ ने अपने दुश्मन को अपने पिंड च बुला के मारे है और मैं तेरे एहसान का बदला ला के तेन तेरे पिंड च मारागा तेरे पिंड आके मारागा। वो चलिया तेरी अखा विच उतरन वाले खून च मेरा खून भी शामिल है। जब तक तेरिया अखा विच मेरे खून की सुर्खी है तू मैनू नहीं मार सकता। ये मेरा ईमान है मेरे दिल की कुराई है। पुत्र की जिद मन के तुसा चंगा नहीं किया चौधरी जी। पुत्र असलम की जिंदगी हर वेले खतरे च। जिद असी नहीं मनी मुंशी जी। उस शफकत पिदरी ने मंगी है जी साडे अंदर है। जदों का पुत्र असलम गया है सानू तो रात नींदर भी नहीं आती। हूं तो हौसले के सवा कोई चारा नहीं चौधरी जी। तुसी भी हौसला करो। मैं तो हौसला नहीं छड्या मुंशी पर मैं अपने दिल को किथे ले जावां। सदके जावां अज ते सवेरे सवेरे सजना दे दीदार हो गए। छीमो अज मैं तेन एहो जी खुशखबरी सुनावांगा कि तू सुन के खुश नचन लग पैंगी। तू गल ते कर सोनिया नचना की मैं ते समाला पावांगी। मैं ऐसे पिंड तेरे कोल रवांगा। सच तेरी कसम। ए खबर सुन के ते मेरा जी करदा है मैं हवा वांगू उड़दी फिरां। यूसुफ वे यूसुफ वे यूसुफ मैं सुनना पिया बोला नहीं गा की गल है। गल की तरह पहले एनू ते बंद कर। आज कुछ तेनू मैं कहना ते कुछ मेरे दिल में। जो तू कहना है वो मैं रोज ही सुनता रहना ते जो तेरे दिल ने कहना है उन कह रहे मैं वेला नहीं गा। दिल ने आज ना मेरी गल सुननी है तो ना तेरी गल मननी। चुप करके तेरी गल सुन लांगी तो बड़ा बड़ा फसाद पै जाएगा। मैनू पता है तू टलने वाली शह नहीं है। अच्छा आ अपने दिल नू छेती छेती जो कहना उस करे ते फुटा खाए। ए देखो आप ही पूछ ले तेन सारा कुछ दस देगा। मजाक छड्डा नो सितरा गल कर। गल की है साडी ते इक्को अरज़ है सानू वो दिन दस दे जिस दिन सानू तेरे घर विच उम्र कैद दी सजा होगी। रानो मैं तन कितनी दफा कह चुका कि जब तक मैं अपना फर्ज नहीं पूरा कर लैंदा मैं तेरे नाल शादी नहीं करांगा। पर शादी तो करांगा ना। आहो किदे नाल? तेरे नाल। हाय मैं मर गई। एक बार फिर कहो तेरे नाल। एक बार मेरे कंधे को ला के कहो तेरे नाल। नजर नहीं आ रहा। मैं खुशी में पागल हो गई। पागल ते तो उस दिन होएगी जिस दिन जेड़ी गल असी अपने दिल च लुकाई हुई है साडी ज़बान ते आई है। एहसान नहीं लत जाता। मैं उन कुछ नहीं कह सकता। ते फिर उदा एहसान ला दे, उदा खून मोड़ दे, उदा खून मोड़ दे, उदा खून मोड़ दे। बाउदा खून तेरे जिस्म विचों कढ़ना नामुमकिन है। और इसलिए हर इंसान के खून का रंग एक है। दुश्मन को अपनी आंखों के सामने देख के मैंने डूब के मर जाना चाहिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता चाचा। मैं आज ही अपने दुश्मन का गाटा ला दूंगा। तेरे दुश्मन का गाटा जरूर लगेगा, पर गाटा लाने वाले हाथ तेरे नहीं यूसुफ दे होंगे। मैं तेरे दुश्मन का गाटा तेरे पैरों में देखना चाहना वा। यूसुफ का गाटा कानून दे फंदे च। मैं कदों तक तेरे मशवरे सुनता रहांगा, मैं कदों तक इंतजार करता रहांगा। प्यो की खबर मैनू चीख चीख के लता पा रही है। सारे पिंड च मैं किसी नू अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। आज जदों मैं अपना चेहरा यूसुफ की मां नू विखावांगा ते वो अपने पुत्र नू साडे दुश्मन दे खून च हाथ रंगण ते मजबूर कर देगी। यूसुफ पुत्र किथे चले आए? तेरे मुंह बोले पुत्र के अपने दुश्मन अड़ चलिया। मां पुत्र मेरी गल सुन के जाई। कोई सवाल करन तो पहला मेरी गल सुन ले मां। मैं इस वेले उदा दुश्मन बन के नहीं उदा पहरेदार बन के चलिया, इसलिए कि इस पिंड च ओदे बड़े दुश्मन ने। मैं सौ खादी है कि उन जद मारांगा अपने हथी मारांगा। केड़ियां सोचां डुबी हुई हैं बानो। आओ चौधरी जी, आज बड़े दिनों बाद आए हो। बानो असी तेन अज गल याद कराने लिए आया जड़ी तू भूल गई हुई है। तेन शायद याद होगा मैं तेरे सिर दे साई दी लाश लैके तेरे घर च आया था ते मैं वादा कीता सी तेरे सुहाग दे खून दा बदला लवांगा। अज तेरा दुश्मन तेरे पिंड च आया है ते तू अपने पुत्र नू बदला लैण तों रोक दिता। चौधरी जी एक बारी तुसी ऐस घर विच आए सो ते मैनू बेवा होण दी खबर सुना गए सो। दूसरी बारी आए हो तो मैनू बे औलाद होने का मशवरा दे रहे हो। असी तो नहीं कह लिया आया कातिल नू कभी माफ नहीं करना चाहिए। कातिल नू सजा जरूर मिलेगी और मेरा रब कभी माफ नहीं करेगा। ते पुत्तर नू तो इसलिए रोक दिता है कि वो ते कातिल दा चेहरा भी नहीं पहचानदा। वो नहीं पहचानदा पर तू तो जाननी है कातिल कौन है। बड़ी चंगी तरह जाननी है चौधरी जी। ते वो जालिम दा चेहरा इस वेले भी मेरी अखा दे सामने वे। ते जिस दिन ओदा चेहरा अपने पुत्तर नू खा दिता ओ दिन ओदी जिंदगी दा आखिरी दिन होवेगा। मैं अपने पुत्र के गल में फांसी का फंदा नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती और कोई ना कहना चाहती जी। इस बात मैंने एक सालम ने किया था, मैं आप नहीं चाहती, मैं आप नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती। कर सकते यूसुफ की रुकावट। मेरे इंतकाम दे रास्ते दीवार बन के खिलोगी, जदों तक के दीवार दिखती नहीं मेरे सीने पवर बल दे रहे। चौधरी जी जे कहते होते असी वड्डे चौधरी को चोरी तुहाडे पांबड़ असलम की हवेली नूं ला के उन्होंने सुते पे साड़ के सुरा कर दी। तेरी गल मेरे दिल लगी है ते हुण अज रात ओदी हवेली नू अग भी लग जानी चाहिए। जिस एहसान ने यूसुफ की दलेरी नू कंध बन के ढक लिया सी, आज वो एहसान खत्म कर दिता ही। तेरी हवेली च अग दे लंबू पुज गए ने ते मेरे सीने च दुश्मनी दे पांबड़ बल गए नी। जा तो चला जा ते आज तो बाद इस पिंड दी हद ना टप्पी। खून का उधार लथ गई तो यराना मुक गई। आज तो बाद मैं तेरे खून का दुश्मन हाँ ते तेरी जान का बैरी हाँ। जा अपने पिंड तुर जा। तू रोने जे तेरे रोने असी हासिया च बदल दईए ते फिर मने। और इसलिए कि मेरा ना नूरा शर्तिया शर्तिया और पा शर्तिया मेरे मुंह ते हासे उस वेले तक नहीं आ सकते जिस वेले तक मेरा प्यो उस कैद नूं तां नहीं लंदा। ओए कैद नूं तां ही पेगा। और इसलिए कि मैं शर्त ला चुकिया आज तक जिंदगी च मैं शर्त नहीं हारिया, इसलिए कि मेरा ना शर्तिया शर्तिया। रंगीला पहलवान पठा पप्पू पहलवान निकले। गादो पहलवान पठा राणा पहलवान निकले। एला आशिक पहलवान एक लिखा इस गोली खान तेरे अंदर एटम ते हाइड्रोजन बम की ताकत पैदा हो जाएगी। और इसलिए कि मेरा नाम नूरा शर्ती है। वेखी मरवान आ गई। तू तो सीना लाई, मैं आज इन्हां दोवां दी पांच बदला देंगा। ओए आज रंगीला पहलवान नहीं खुलेगा और दा पुत्र खुलेगा। सुना है बकरियो तू भी क्या थी कि मैं तेरे प्यो नू मंगना पर मैं आज तोनू दोवां नू मंगना। मैं दोवां नू कठिया डावांगा। ओ खुश किते मेरे आका झुकू में ओ फाल ले लानू फाल ले। अब्बा ओ आज ते ऐ लगदा जे मेरे टिड्ड च लाउड स्पीकर फिट करवाया। सुनो चिड़ी पहलवान आज असी प्यू पुत्र तो मैं तेरा कीमा कर देंगे। असें तेन मुंह मंगया इनाम देंगे। मंग की मंगना अपा जे दे सकना ते सोहनी मैनू बख्श दे ते इस पलवानी को मेरी जान छुड़ा दे। और सानू मंजूर है। सदके थी मां वेखे सोनी जे प्यार सच्चा होवे ना ते रस्ते दे सारे कंडे आप ही साफ हो जाते हैं। भेड़िया जे तू सानू प्यार कीता है ते असी भी ते तैनू ओना ही प्यार कीता है ना जिन्ना सोनी ने मेरे वाल नू कीता सी। सोनी है अज इंज ना करा अपना ना आशिक तू मेवार रख ला ते जेड़ा साडा प्लेठी दा पुत्र होवे आशिक ओदा ना रख लावांगे। हाय मैं मर गई आग लग गई है। किथे लगी है? ओ देख सामने। ओए पागल खानी है ओ अब तो मैं आप लाई है। पर ये है कि ये साडे प्यार दा सब तू बड़ा दुश्मन है मेरा पलवानी वाला जंगला जिन्नू आज मैं साड़ के सुआ कर दित्ता। जे तू जान की सीधी कर ली है तो फिर मैं भी तेरे नाल चलांगा। तुसी मैं नहीं जाओगे बाजी ते ताटी किसने बेहुरमती कर दी थी तो जड़ी बंदूक तुसी अपने दिस भरी है मैं भरनी पै जाएगी। मैं जंग बंदूक डाल नहीं दोस्ताना कितना चाहना हासलम जान तो पहला ये सोच ली कि मैं हूं तेरे पीछे पूरे पीर दीवार लेके आऊं। तुसी भी सोच लो बाजी जे मेरे पीछे तुसी पूरे पिंड दीवार लेके आओगे रब की सौ मैं अपने हमने गोलियां मारूंगा। असलम रुक जा। असलम जो अपने सिर ते मौत का कफन बन के इधर आई गया ते फिर अज ओनू मेरे को कोई नहीं बचा सकता। और यूसुफ अज असी वेखना तू अपने प्यो का बदला लेना या असलम तन अपने यराने दीवार थले दबा के मारना। उन्हें अपना खून दे के जड़ी यराने की गंढ मारी सी ओ मैं ओदी जान बचा के ओ गंढ तोड़ दी है। अज तुसी ये देखना कि मैं ओदे सौ किस्सा तोड़ना। आज मेरा तीर निशाने से जरूर बैठेगा तू जा पुलिस बुला ले। मैं जो कहना सी कह देता है भैन मेरी ते जे तेन अजे भी यकीन नहीं आता ते तू अपने सुहाग का बदला लैन रही मेरे सीने च गोलियां मार दे पर रब दा वास्ता ही मेरे पुत्र नू बचा लै दुश्मन नू मार देंगे। चौधरी जी असलम सिर्फ साडा ही पुत्र नहीं मेरा भी पुत्र है। जे असलम मर गया ते मैं इस पिंड दा कब्रिस्तान बना देंगी। उस कब्रिस्तान में दो कब्रियां सब तो पहला ताडे पुत्र दे कातिल दी और दूजी कब्र मेरे सुहाग दे कातिल दी। मरण का चा लेके आई गए ते फिर हथियार फड़ना है किधर दुनिया ये ना आखे कि यूसुफ ने अपने दुश्मन नू न्याथिया मार सत्या सी। जे तू मेरा दुश्मन होंदा ते फिर मैं तेरे को हथियार मांग के नहीं खा के मार देना सी। अपनी बख्शिश मार ले तू मेरा यार है जे यार दे हत्थों मेरी मौत लिखी है मैं नू अपनी खुशकिस्मती समझांगा। ओए तेरे एहसान दा बदला तेना ला चुकिया हुन अपने प्यो दा बदला ले ली मेरा हाथ कोई नहीं डक सकदा। ओए कोई नहीं डक सकदा। ओए अज सज्जन आखेगा ता मार दियांगा। ओए भरा आखेगा ता मार दियांगा। यार आखेगा ता मार दियांगा। जाओ यूसुफ, खैर तू मैनू समझे ही नहीं कोई। मेरा पड़ रहा है नाराज करे। नहीं माँ, मैं बहुत तो कोई दुख नहीं, तो क्या चल रहा है कि मैं मरे माँ, एक बेगुनाह दे खून पे हाथ रख के फांसी का पंजाब के गले में पा ले आई। तुम वार कर डालिया। मैं खामोश है पर आज मैं नहीं जोर देती खाऊंगी कि तेरा कलेजा भाज जाए। और जैसी तेरा हो असर कराऊंगे पूरा पेट तुम्हें घेरेगा। ये तैन सब कुछ पता लग गया ते फिर आज जैसी एक बार तेरे होर करांगे। घुंगरू फड़ाए ऐना घुंगरूआं नूं अपने पैरां च बन के नच नहीं। आज जैसी तैन नचांदे होए सारे पिंड च फिरावांगे। तो घुंगरू बन के सारे पिंड च नचेगी ते मैं आज तेरे पुत्र दी खैरत नाल खेडांगा जिन्नू मैं चुक के ले आया। नाचनी उसी मेरी जन्नत के पैरों च घुंगरू पाउण लगे सो ते अज मैं तुहाडियां जिंदगियां नूं मौत के घुंगरू पा के अपनी मां दे पैरां च नचा देवांगा। तेरी रूह क़यामत तक तड़पती रहेगी। यूसुफ यारा में यार एक रेनी जोर यारा कि तेरन के दुनिया यारा रिश्ते में चंगी तरह